चीन के सबसे पक्के दोस्त ने थामा भारत का हाथ। हिंद महासागर में चीन के करोड़ों के प्रोजेक्ट को लगा धक्का। ये खबर सुन सदमे में आ गया चीन। शी जिनपिंग की सारी मेहनत हुई बेकार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि चीन भारत को घेरने के नए नए तरीके ढूंढता रहता है, और इसके लिए वो एक एक करके भारत के पड़ोसी देश को कर्ज देकर और अन्य दूसरे तरीके से अपनी तरफ करता रहता है। जहां साल 2013 में पाकिस्तान को अपना पहला पालतू चमचा बनाकर चीन ने इसकी शुरुआत की, वहीं उसके बाद श्रीलंका, फिर थोड़े समय के लिए बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश इन मामलों में चालाक निकला और उसने चाइना से अपना पाला झाड़ लिया, और सबसे अंत में चीन ने हिंद महासागर में आकर अपना डेरा डाला है। अब दोस्तों, यहाँ पर चीन ने अपना डेरा डाला ही था और बहुत ही भारी मात्रा में निवेश भी किया, लेकिन अब म्यांमार ने चीन के ऊपर से पलटी मारते हुए भारत से वो हथियार मांग लिया, जिसका नाम सुनकर शी जिनपिंग के हाथ पांव फूलने लगते हैं। दोस्तों, वर्तमान में मेक इन इंडिया के तहत भारत में बन रहे हथियार, विमान, मिसाइल की धाक अब पूरी दुनिया मान रही है। अब खबर आई है कि दुनिया की सबसे घातक मिसाइल में शुमार ब्रह्मोस को फिलीपींस, वियतनाम के बाद अब म्यांमार भी मांग रहा है। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार म्यांमार ब्रह्मोस मिसाइल का एंटी शिप वेरिएंट खरीद सकता है। ये जानकारी रूस की समाचार एजेंसी तास के हवाले से डिफेंस डिकोड नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर की है। दोस्तों, इससे पहले फिलीपींस ने भारत में बने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को खरीदने की बात कही थी। इससे पहले फिलीपींस ने कुछ महीने पहले ही सबसे घातक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के लिए डील की थी। उसने 3 बैटरीज खरीदी थी। एशियाई देश ही नहीं बल्कि अब पूरी दुनिया में भारतीय हथियारों का महत्व बढ़ रहा है। दोस्तों, आखिर म्यांमार या कोई भी देश भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल क्यों खरीदना चाहेगा, तो इसकी वजह जानने के लिए आपको उसकी खासियतों को समझना होगा। दोस्तों, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भविष्य में ब्रह्मोस 2 मिसाइल लाने की योजना है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा। इसकी गति मैक 7 यानी कि 8575 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से कहीं भी कभी भी दागा जा सकता है। दोस्तों, सुखोई 30 MK-1 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के ईयर वर्जन का सफल परीक्षण किया जा चुका है। मिसाइल ने तय मानकों को पूरा करते हुए दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। इसमें रैमजेट इंजन तकनीक का उपयोग किया गया है ताकि इसकी गति, सटीकता और ज्यादा हो जाए। दोस्तों, समुद्र से दागने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल के 4 वेरिएंट हैं। पहला युद्धपोत से दागा जाने वाला एंटी शिप वेरिएंट, दूसरा युद्धपोत से दागा जाने वाला लैंड अटैक वेरिएंट। ये दोनों ही वेरिएंट भारतीय नौसेना में पहले से ऑपरेशनल है, और तीसरा पनडुब्बी से दागा जाने वाला एंटी शिप वेरिएंट का सफल परीक्षण हो चुका है, तथा चौथा पनडुब्बी से दागा जाने वाला लैंड अटैक वेरिएंट है। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर INS रणबीर और INS रणविजय में 8 ब्रह्मोस मिसाइलों वाला लॉन्चर लगा रखा है। इसके अलावा तलवार क्लास फ्रिगेट INS तेज, INS तर्कस और INS त्रिकांत में 8 ब्रह्मोस मिसाइल वाला लॉन्चर तैनात है। शिवालिक क्लास फ्रिगेट में भी ब्रह्मोस मिसाइल फिट है। कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर में भी ये तैनात है। INS विशाखापट्टनम में सफल परीक्षण हो चुका है। इसके बाद भारतीय नौसेना नीलगिरी क्लास फ्रिगेट में भी इस मिसाइल को तैनात करेगी। दोस्तों, युद्धपोत से लॉन्च किए जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलोग्राम वारहेड ले जा सकती है। ये मिसाइल Mach 3.5 तक की अधिकतम गति हासिल कर सकती है, यानी कि लगभग 4321 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। इसमें 2 स्टेज का प्रोपल्शन सिस्टम लगा है, पहला सॉलिड और दूसरा लिक्विड। दूसरा स्टेज रैमजेट इंजन है जो इसे सुपरसोनिक गति प्रदान करता है, साथ ही ईंधन की खपत कम करता है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल हवा में मार्ग बदलने में भी सक्षम है, चलते फिरते टारगेट को भी ध्वस्त कर सकता है। ये 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, यानी दुश्मन के रडार को धोखा देना इसे बखूबी आता है। सिर्फ रडार ही नहीं, ये किसी भी अन्य मिसाइल पहचान प्रणाली को धोखा देने में सक्षम है। इसको मार गिराना लगभग असंभव है। ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका के टॉमहॉक मिसाइल की तुलना में दोगुनी अधिक तेजी से वार करती है। ये मिसाइल 1200 यूनिट की ऊर्जा पैदा करती है, जो किसी भी बड़े टारगेट को मिनटों में राख में बदल सकता है। अब दोस्तों, ये सारी खूबियां देखने के बाद म्यांमार की सबसे ज्यादा दिलचस्पी जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल एक एंटी शिप वेरिएंट खरीदने के चक्कर में है। दरअसल दोस्तों, जिस तरह ब्रह्मोस मिसाइल जमीन से, हवा से, पनडुब्बी से, युद्धपोत से टारगेट लगाने में सक्षम है, उसको देखते हुए म्यांमार के मिलिट्री शासन के जनरल मिंग ऑंग हैंग भारत से इसको लेकर बातचीत करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात से सबसे ज्यादा जो किसी को मिर्ची लगी है तो वो चीन है, क्योंकि दोस्तों सच्चाई ये है कि चीन ने म्यांमार में बहुत ही भारी निवेश कर रखा है। दरअसल दोस्तों, म्यांमार में चीन कई ऐसे पुराने परियोजनाओं को शुरू कर चुका है जिसे वहां की लोकतांत्रिक सरकार ने पहले बंद कर दिया था। उन परियोजनाओं से म्यांमार में पर्यावरण पर बुरा असर पड़ने का डर था, लेकिन सैन्य शासन की वजह से अब इन्हें फिर से शुरू करना आसान हो गया है। इनमें सालवी नदी पर बांध और बासाइन डीप सी पोर्ट जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इस पोर्ट परियोजना को रेल और सड़क से भी जोड़ा जा रहा है। यह कनेक्टिविटी चीन के कुनमिंग तक होगी।
दूसरी ओर चीन को म्यांमार के कोकांग रीजन से जोड़ने के लिए क्रॉस बॉर्डर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है। दोस्तों इनमें से चीन की कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जिनसे चीन भारत को टारगेट कर रहा है। भारत की मुश्किलें बढ़ाने के लिए वो बांग्लादेश का भी इस्तेमाल करना चाहता है। बांग्लादेश के लैंड बॉर्डर के जरिए चीन भारत के पूर्वी तटों के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है। म्यांमार में वो ग्रेटर मेकोंग रीजन पर दबाव बनाना चाहता है, चाहे उसने म्यांमार, कंबोडिया और थाईलैंड वाला ही इलाका क्यों न हो। इसके जरिए उसकी नज़र हिंद महासागर क्षेत्र पर है। भारत के खिलाफ म्यांमार का इस्तेमाल करने की योजना चीन लंबे समय से कर रहा है। वो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की पकड़ को मजबूत करना चाहता है। उसके इस योजना में म्यांमार की सैन्य सरकार महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है और चीन इसकी मदद से भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जो नेवल और थिएटर कमांड बेस है उस पर नजर रखना चाहता है। दोस्तों हिंद महासागर पर चीन की नज़र काफी समय से हो रही है। अगर हिंद महासागर में चीन का दखल बढ़ता है तो इससे उसे भारत को घेरने में मदद मिलेगी। पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत की अपनी एक रणनीति है। इसे वो इस इलाके को एक मैरीटाइम यूनिट के तौर पर देखता है। चीन इसे भी चैलेंज कर पाएगा, लेकिन इधर उसकी इस रणनीति पर सवालिया निशाना लग गया है। जिस तरह से एक समय श्रीलंका को हिंद महासागर में अपने पावर प्रोजेक्शन हब के रूप में देखा जा रहा था, उसे पड़ोसी देश में चल रहे हालिया संकट से बड़ा धक्का लगा है। श्रीलंका क्राइसिस के कारण बांग्लादेश सहित दक्षिण एशिया के कई देश चीन के कर्ज डिप्लोमेसी से आशंकित हैं। और अभी हाल ही में तो बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है, कोई भी विकासशील देश चीन से कर्ज लेने से पहले हजार बार सोचे। इसके बाद दोस्तों चीन की इमेज काफी डाउन हो गई है। ऐसे में उसके लिए म्यांमार की अहमियत काफी बढ़ गई है। म्यांमार को साधना चीन के लिए आसान है, वहां की सैन्य सरकार को अभी पैसों की जरूरत है। दुनिया ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट करने के चलते म्यांमार के सैन्य शासन को अलग थलग किया हुआ है। चीन इसी का फायदा उठाकर वहां अपनी पकड़ मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। भारत ने पिछले कुछ समय से अपने पूर्वी हिस्से पर काफी ध्यान देना शुरू किया है। यहां उसने बिम्सटेक के जरिए उपस्थिति बनानी शुरू की है। म्यांमार की मदद से चीन इसमें सीधा बाधा डालना चाहता है। लेकिन दोस्तों बेशक म्यांमार में अभी लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, लेकिन भारत ने अभी तक म्यांमार से अपने रिश्ते कट नहीं करे। भारत अभी ये देख रहा है कि म्यांमार को क्या जरूरत है। भारत ये भी जानता है कि म्यांमार से बातचीत लगातार जारी रखनी होगी, क्योंकि अगर नहीं रखी तो एकदम से म्यांमार चीन की झोली में पलटी मार जाएगा। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।